نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله مولانا العظيم मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और साथियों अभी आप हजरात के सामने मौना अब्दुल हादी साहब ने जो आयतें तिलावत की है उन्हीं में से दो आयतें मैंने आप हजरात के सामने पढ़ी है दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला इल्म नाफे नसीब फरमाए और गैर नाफ़े से अल्लाह ताला हिफाजत फ़रमाएं इम नाफ़े वो है जो मालूम होने के बाद अमल का जज्बा पैदा हो जाए और इल्म नाफ़े इसी के बराक्स है यानी बातें मालूम हो जाएँ फिर भी अमल का जज़्बा ना पैदा होने पाए नाफ़े के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी कि किम नाफ़े नसीब फरमा दीजिए और गैर नाफे से बचने के लिए भी अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह हम ऐसे इल्म से पनाह चाहते हैं जो गैर नाफे है अल्लाह मनानसल का नाफ़्या और दूसरी जगह फरमाते हैं मनाऊबी का मिनफ़ा ला हम ऐसे इल्म से पनाह चाहते हैं जो नफ़ा न पहुँचाता हो और ऐसे इल्म का सवाल करते हैं जिस इलम के ज़रिए से हमारी ज़िंदगी में तब्दीलिया जाए तो पहली नीयत होनी चाहिए और दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला आप जो है हमें इल्म नाफ़े नसीब फ़रमा दीजिए हमारे बुज़ुर्गों का मामूल रहा और का मामूल रहा कि जब लोगों को कुछ बातें बतानी होती तलबा को जब पढ़ाना होता कुछ बातें खवास में कहनी होती तो पहले अल्लाह ताली से दुआ कर लेते कि हमें ऐसी बात कहने की तोफ़िक मरहमत फरमा दीजिए जो सबके लिए नाफे हो सब के लिए जो बातें फ़ायदेमंद हो उसके लिए दुआएं मांगा करते थे और ऐसी गैर मुफीद बातों से बचाए लीजिए जो सबके लिए नफ़ा और फ़ायदेमंद ना हो तो पहली नीयत ये होनी चाहिए कि अल्लाह क्या दे इम नाफ़े नसीब फरमाए इसलिए कि भाई आज लोगों के इल्म में कमी नहीं है हर कोई जानता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए हर कोई जानता है अमानत में ख़ानत नहीं करना चाहिए हर कोई जानता है कि लोगों के हकूक वाबिस्तें हर कोई जानता है कि बच्चों को जैसे माल में वारिस बनाया जाता है वैसे ही लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी वारिस बनाया जाता है हर किसी को मालूम लेकिन अमल नहीं है बच्चियों के सिलसिले में ये तस्वर हुए कि हमारा माल दूसरे के घर चला जाएगा अरे भाई बेटी तो आपकी है बहन तो आपकी है उनको जो अल्लाह ने उसको जो हक़ दिया वो हक़ अदा क्यों नहीं करते अल्लाह ने तो कुरान करीम में बहुत साफ वाज फ़रमाया है कि जो तुम्हारी मुजक्कर औलाद का हिस्सा है उसका आधा तुम्हारी मनस औलाद का हिस्सा है और फुगा ने तो कायदा लिखा है उसूल बनाया है कि अगर अपनी जिंदगी में दोनों को बराबर बराबर तकसीम कर दे तो ये और अच्छा है ये तो कह रहे मरीज साहब आपने और आधी की बात नहीं अभी आधा जो हिस्सा बन रहा था तो वो तो हम देने को तैयार ही नहीं थे आप कह रहे हैं कि और बच्चों को और बच्चियों को बराबर करके दे दीजिए ये फगहान ने लिखा कि करना चाहिए नहीं करने का तो कोई मौखा नहीं इस पर कोई मौखदा पकड़ नहीं है लेकिन जो बच्चियों का हक है वो हक अगर नहीं दीजिएगा तो कल अल्लाह के सामने क्या होगा पकड़ोगी और ये बीमारी लगती क्यों है इसलिए कि क्यों ये बात देखी जाती है कि बच्चियाँ लड़कों के बनिस्बत, बनस्बत बच्चों के बनस्बत ज़्यादा खिदमत करती है वालदेन की और ज़्यादा मोहब्बत भी करती है। ज़्यादा क्या करती हैं मोहब्बत भी करती हैं ये बच्चियों को हिस्सा ना देने का जज्बा क्यों पैदा होता है उसकी वजह सिर्फ एक है कि माल से बहुत मोहब्बत होती उसकी वजह क्या है सिर्फ एक है कि इंसान को बहुत ज़्यादा माल से मोहब्बत होती व तो हिब्बो माल हिब्बन जम्मा माल को एकदम पकड़ के और दबा के बैठता है कि हिलने ना पाए एकदम तो। अगरचे वो अपनी जगह से हिल जाए अगरचे अपनी जगह से हिल जाए माल छूटने नहीं देना चाहता हालांकि माल फिर उसे धक्का दे के गड्ढे में गिराता है रसोल्ला सल्लिम को एक हदीस याद आई, बड़ी मशवर है रसोल्ला वसम ने फरमाया कि इंसान हर वक्त माल माल करता रहता है इंसान क्या है यको आदम माली माली आदम की औलाद हर वक्त माल माल मेरा माल मेरी फैक्ट्री मेरी टेंडरी मेरी दुकान मेरी तजारत मेरी ज़रात मेरी मुलाजमत हर वक्त उसी में मसरूफ़ हती कि घर के लोगों में ये ख़राबी पाई जाती है बच्चा पैदा हो नहीं पाता बालिग हो नहीं पाता उसको पहले ही दिन से बताना शुरू करते ये पढ़ लोगे तो ये मिल जाएगा ये कर लोगे तो ये मिल जाएगा इतने का पैकेज यहां मिल जाएगा इतने का पैकेज बच्चों को मशीन बनाते हमारे रमत फरमाया करते थे कि जब बच्चों को पैदाइशी तौर पर उनके समझदार होते ही माल उनके दिमाग में सवार कर देते हो तो कल जब वो माल की मोहब्बत में अब्बा का साथ छोड़ता है अम्मा का साथ छोड़ता है वालदे पे पैसा खर्च नहीं करता वालदेन के करीब नहीं रहता तो गलती किसकी है गलती तो वालद मोहतरम की है, तो है। जिन्होंने तो बताया कि नहीं पैसा ही सब कुछ बाजे लोग तो हंसी मजाक में और बात आगे तक कहते हैं कि पैसा होगा तो रिश्तेदार भी खरीद लिए जाएंगे ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन्हें ये खबत सवार होता कि पैसा ही सब कुछ है पैसा ही क्या पैसा है तो सब कुछ हासिल हो जाएगा नहीं भाई पैसे का ताल्लुक बड़ी देर का नहीं है और ये वो ज़ात कह रही है जो क्या है दुनिया जान लिए रहमत बना के भेजी गई अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं यपोलोबना आदम माली वकना आदम इलामा अकल तफा अफ नईतफ़ा अब लैद औ तसदकमजीद जो तुम खाए हो वो तुम्हारा अपना है जो तुमने पहन लिया वो तुम्हारा अपना है जो तुमने सदका कर दिया वो तुम्हारा अपना है बाकी अमाल का ताल्लुक तुमसे थोड़ी देर कभी नहीं लेकिन ये बात समझ में आ जाए दुआ करें कि अल्लाह ताला क्या है इल्म नाफ़ नसी फरमाए इम नाफे क्या है ये दिल में बात उतर जाए और फिर इस पर अमल भी रहे एक इल्म 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 है, इम इल्म, इल्म है, वो फायदा उतना नहीं पहुंचा पाता जब तक इल्म बराए अमल ना हो यानी हमें बात मालूम हुई तो हमारे अंदर ये जज्बा हो कि इस पर हम ही को अमल करना हम ही को अमल करना है। तो माल की मोहब्बत इंसान को बड़े खसारे में डालती बड़े खसारे में अल्लाह तरमाते हैं एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चे और माल कुछ काम नहीं आएगा यन योला बनोन एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन न माल न औलाद कोई काम आने वाला नहीं इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम मगर जो अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ दिल ले आएगा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादें करने वाला दिल ले आएगा उनकी मोहब्बत में रोती हुई आँखें लेकर आएगा इलामन हब सलीम जिनका दिल बना होगा वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगा बाकी माल औलाद दीगर तमाम चीजें काम आने वाली नहीं हदीस अभी बड़ी की ना डॉक्टर साहब ने अला इन फिल जसद इदा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला वही अल दिल एक ऐसी मशीन है जो बन जाती है तो कल क्या है सब दरवाजे खुलती चली जाएगी आजकल जमाना हुआ है ना क्यू आर कोड रखो जहाँ 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 रखते जाइए आगे बढ़ते चले जाइए है नहीं बड़ी बड़ी फर्में खुल जाती है वही जैसे आप मोबाइल पे उसको लीजिए तो उसका पीछे का पूरा निज़ाम खुल जाता है वो चंद नुकते लगे हुए हैं बस आप कहें कि देखें गौर से देखें चश्मा लगा के देखें कुछ नहीं हाथ लग रहा ऐसे ही दिल है दिल बनेगा जब तो सब दरवाजे खुलते चले जाएंगे सब दरवाजे खुलते चले और दिल में अगर कीना है बग्द है नाद है दावत है दुश्मनी है गजब है गीबत है तो फिर भाई समझो बड़ी खुश आ रही वाली बात और ये सब चीजें जब तक गौर से सुन करके उस पर अमल की अमल की नीयत ना हो जज्बा ना हो और फिर उन चीजों को बार बार तकरार न करता रहे तब तक उस पर मदामत और फिर उस पर अमल करने का जज्बा नहीं पैदा होने वाला दोस्तों को यह ख्याल होता है कि चल की बात है चीजें सुन लेते हैं फिर छूट जाती चीजें आती हैं फिर बदल जाती नहीं भाई आप उन चीजों को बार बार याद इसीलिए एक बात याद आई हजरात अकाबरीन क्या मशाक क्या एक मामूल कि अपने वो तलकिन और महिबिन को वतूत पर जवाब दिया करते थे और फ़रमाते थे कि इसको वक्ता फ़वकाता पढ़ लिया करो उसकी कापी महफूज हुआ करती थी तो जिस मौके पर जो बात अपनी रख करके उसका इलाज लिया होता तो फिर याद आ जाता था पर्चा खोल के पीछे पढ़ लेता था अब सब ज़माना ख़त्म हो गया अब तो शेख का मतलब है दुआ कर दे फैक्ट्री चल जाए टेंडनी चल जाए सेहत अच्छी हो जाए बच्चा आगे पीछे दौड़ने लगे बीवी बात मानने लगे वालदे बात सुनने लगे पड़ोसी अच्छा हो जाए बॉटल में पानी में दम करके दे दे बस शेख का इतना रह गया, और है, डांट दिया तो दूसरे दिन गायब हो जाता है नाजी बहुत डांट पड़ती आज सब पूरा लुबे लुभा यही है कि ये सब चीजों में सिमट के रहेंगे हजरत मौलाना शाह वसी साहब राम हज़रत वाला थानवी के फलाफा में से बुढ़े लोगों में है हमारे हजरत यहाँ तो थ होती थी मारते थे बाकायदा पूछते थे समझ में आई अगर कहा नहीं समझ में आई तब भी मारते थे और कहे अगर समझ में आ गई तो फिर बोला था क्या समझ में आई फिर मारते थे वहाँ तालिबीन क्या थे सादिद थे सच्चे थे सीख लेते थे उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है कि मुफ्ती मुफ्तीनीफ साहब रमोत लाला हमारे उस्ताद थे मदरसे में बड़े लोगों में शुमार होता है उनका वो कहते थे कि हम लोग हजरत के यहाँ रहते थे तो, तो अपना खाना खुद बनाते थे खानका से कोई खाना नहीं मिलता था रहने की कोई जगह नहीं थी तो कहाँ कहा वो सुनाते थे दरस में सबक में सुनाते थे हमारे यहाँ बड़े उस्ताद थे और बड़ी बड़ी किताबें लिख रही सुनाते थे कि दो थोड़ा सा आटा रखते थे हम लोग और यही आलू एक तरफ आटा की वो गोल गोल टिक्की बना के डाल देते एक तरफ आलू डाल देते थे गर्म हो जाता दोनों मिला के खा के फिर शेख की मजलिस में पड़े रहते थे वहां कभी अपनी सिफारिश नहीं रखी बीवी बच्चे घर दर कुछ नहीं सीखते रहे वो आज असल असल जो काम है लोग भूल जाते हैं। असल काम क्या है एकदम बोले हुए हैं शेख का मतलब ही बदल दिया एकदम बस सब दुनियावी काम निकालने के लिए शहर अब सवाल एक पैदा होता है कि ये तो काम में मशाइ क्या होता भी है तो उनकी निगाह और दूर तक होती है चलो इसे बहाने आएगा तो कम से कम कुछ तो सुधर जाएगा कुछ तो सीख लेगा इसी उनवान पे उसकी दुलज में उसकी बातें सुनते हैं दुआ वगैरह दे, दे देते हैं पढ़ने के लिए कुरान की आयत बता देते हैं वरना असल तो इसला है अपने हाल हवा सुनाया जाए अपने अंदर की खराबियां बताई जाए अपने अंदर की खराबियां अगर बताता रहेगा तो उसको वक्त रहते हुए उन चीजों से वो क्या हो जाएगा बच जाएगा फिर लेकिन हम इतने लोग हैं आप कुछ सोचें जब बात होती तो बाहरी खर्जी बात होती अपनी दाखिली बात नहीं हो पाती अपनी जाती बात नहीं हो पाती ये बीमारी ये बीमारी तो भाई अगर बात बताई नहीं जाएगी तो इलाके से होगी बात तो बताने से और बार बार सुनाने से और बाद में फिर उस पर अमल करने से और फिर रबते में रहने से ही ज़िंदगी में तब्दीली आएगी हज़रत साहबा रसोल्ला सल्ह के इर्द गिर्द रहते रहे मिसल परवाना वार गिरते रहे अल्लाह ताला ने फरमाया कि माऊकुफ़ार रुहमा उबैन हम आपकी माइत पाक की बरकत से आपकी सहबत की बरकत से आपके पास रहने की बरक़त से आपके इर्द गिर्द रहने की बरकत से हजरत सहाबा की ज़िंदगी में तब्दीलियां ऐसी आईं कि जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया व इन कानो कानूमिन ख़ब्रलफी वालन भी इनके बारे में कुरान कह रहा कि लोग खुली गुमराइय में थे तरह तरह के गलत कामों में थे लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पास और उनकी माइत उनके साथ रहने की बरकत से उनकी जिंदगियां तब्दील होगी लेकिन चाह तो टूट कर चाह माना तो पूरे दिलो दिमाग से माना तुझे चाहो और तेरे चाहने वालों को भी चाहू हज़रत सहाबा उसकी क्या थे नजीर थे अमली नमूना थे भाई आप देखें कि हजरत सहाबा ही हैं जो अपने घर का ख्याल किया भाई कबीले का ख्याल आया खानदान का कभी ख्याल आया कभी नहीं ख्याल आया रसोल्ला सल्लम मक्का से मदीना तशरीफ़ ले जा रहे हैं हजरत साहबा के भी झोला उठ गए उनके भी सब सामान तैयार हो गए वो भी मक्के से मदीने की तरफ रहा दवाएँ उनकी अपनी तजारत थी अपने अपने तमाम तरह के निज़ाम थे लेकिन रसोल्ला सल्लाम की मोहब्बत और आप से ताल्लुक इतना गालिब हुआ कि अपनों को छोड़ कर चल दिए अपने कामों को छोड़ कर चले गए अपनी वजाहतों को छोड़ कर चले गए अपने नामो नमूद को छोड़ कर चले गए अपने पूरे वजूद को मिटा कर चले गए कहना तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में भी अच्छा लगता है थोड़ी देर अगर कोई मुजाह करना हो जाए तो भाई फिर देखिए कितना तकलीफ होती तो हजरत साहबा क्या थे एक शेर सुनाते हैं बस बात खत्म क्या कहते हैं हमने लिया है दागे दिल होके बहारे ज़िंदगी हमने अपना घर खानदान दर्द सब छोड़ दिया शायद तमाम चीजों को जमा करके कहता है हमने लिया है दाग दिल खोकर बहार जिंदगी एक गुलेतर तर के वास्ते सारा चमन लुटा दिया एक गुलेतर तर के वास्ते वसल्लम की मोहब्बत के लिए आपके करीब रहने के लिए हमने अपना पूरा चमन उठा दिया हमने अपना घर छोड़ दिया अपनी चीजें छोड़ दी अपना इलाका छोड़ दिया अपने लोगों को छोड़ दिया चल पड़े कहा जाओगे हो गए होगा भाई हम तो एक सुन्नत पे अमल नहीं हो पाता उन्होंने कहा सादगी से निकाह करो उसी पर पूरा जोर लगा हुआ कितना निकाह में सफल काम हो जाए उन्होंने कहा कि अपने अफलाक को दुरुस्त करो हमारे अफलाक दुरुस्त नहीं होते कोई चीज सोचिए वह हजरात साहबा ही है जिन्होंने सब कुछ छोड़ करके वसल्लम की सोबत को इख्तियार किया अब पहुंच गए वहां मदीना मुनवरा अब वहां मदीना मुनवरा पहुंच रहे तो वहां अनसार की हालत और दूसरी उनकी हालत क्या है एकदम अलग जो हजरत सहाबा मक्का से गए मदीना पहुंच रहे हैं अलैहि बुला कर मुआखात करा रहे हैं एक दूसरे का भाई बना रहे हैं ये आए हुए हैं वहाँ से ये तुम्हारे भाई ये आए हुए हैं वहाँ से तुम्हारे भाई ये आए हैं यहाँ से तुम्हारे भाई बस इतनी बात रसोल्ला निषाद फरमाइए मवात जो हजरात साहबा मक्का से सब कुछ छोड़कर मदीना आए हुए थे मदीना मुनव्वरा में रहने वाले जो साहबा हैं, उन्हें अंसार कहा जाता है जो मक्का छोड़कर वो दूसरे इलाके को छोड़कर मदीना मनवरा तशरीफ तो ले गए उन्हें महाजिर कहा जाता है मुहाजिर कौन? जो अल्लाह और उसकी रसूल की मोहब्बत में अपना सब कुछ छोड़कर आया सब कुछ छोड़ के आया अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में सब छोड़ आया हो ये पर्चा बहुत टेढ़ा है भाई हमें क्या करना है मानो जिन चीज़ों से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है अगर उन चीज़ों से रुक गए तो आज के मुहाजिर हम वो हिजरत करके मुक्का से मदीना गए और आज का मुहाजिर कौन होगा जो तमाम ममनुआत को तमाम चौकी तो मना की गई चीज़ों को छोड़ देता मान फिर हज़रा साहबा जब मदीना पहुँचे तो मदीना मुनवरा में रहने वाले जो अनसार थे उनका वह हुआ मुआकात कराई रसुल्ला वसल्लम मुआखात का मतलब समझे आप जैसे ही रसुल्ला ने कहा ये इनके भाई हैं उन्होंने कहा कि ये घर में दो खटिया है एक आपकी एक हमारी ये हमारे घर में दो कमरे हैं ये आपके एक हमारे है का मतलब ये नहीं कि भाई जी हो गए बस नहीं बुलाया और सब कुछ बांट दिया ये रसुल्ला से मोहब्बत की निशानी है वसल्लम ने जब एक नस्बत कायम कर दी फरमाए कि ये तुम्हारे भाई अदरत साहबा ने और अंसार ने वो कुर्बानी दी कि दुनिया दंग रह जाती है जब कलम उठाती है अंसार महाजरीन जो मेहनत करके आए वो तो अलग है लेकिन अनसार जो खिदमत कर रहे हैं वो एकदम से अलग है और रसोल्ला सल्ला वसल्म ने मुलाकात कराई तो हर चीज़ों में फिर तकसीम हुई और ये सब निज़ाम जो बनाया ये इंसार ने बनाया और रसोल्ला सल्लिव ने एक मत मिल में बात रिशात फरमाई कि देखो एक ज़माना ऐसा आएगा कि इंसार कम हो जाएंगे महाजरीन की तादाद बढ़ इसलिए जब मालूम हुआ कलकत्ता में दस दिन रहना तो जो जहाँ से था वहीं जुड़ के आ गए क्या हुआ मदीना मनवरा जब रसोल्ला तशरीफ ले गए तो जहाँ जहाँ मुसलमान साहब आते सब मदीना में जमा होना शुरू हो गए अब जब बाहर वालों की तादाद बहुत बड़ी और बढ़ती चली गई तो फिर मदीना मनवरा में रहने वालों की तादाद घटने लगी फिर जाहिर सी बात है जब बाहर से आने वालों का सिलसिला बहुत ज्यादा होगा तो अंदर रहने वाली तादाद तो घटेगी घटेगी रसोल्ला सल्लम फरमाते हैं एक जमाना ऐसा आएगा ये अनसार की तादाद कम होगी और दूसरे लोग बढ़ जाएंगे और फिर अनुसार के सिलसिले में बड़ी कीमती बात है रसुल्ला इसलिए भाई ये दिन क्या है बनियों का मजहब नहीं है हरदम जोड़ने बटोरने की जरूरत नहीं है ये मोहब्बत करने वालों का दिन है ईमान उसको कहते हैं कुरान कहता है ईमान वाले को वल्लीना आमनु अशद जो लोग ईमान ले आते हैं वो अल्लाह की मोहब्बत पे बहुत ज्यादा बड़े होते हैं मोहब्बत में बड़े होते हैं। मतलब क्या मतलब कि कहते हैं मोहब्बत हम करते हैं हम मोहब्बत करते हैं ये मतलब नहीं जो अल्लाह का हुक्म उन तक पहुंचा वो उस पर जमकर डट कर चल पड़ते हैं और फिर जब अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती तो क्या फरमाते इन कुन तुम

तुम अगर हमारे चाहने वालों को चाहोगे तो हम तुम्हें बड़ा महबूब रखेंगे रसुल्ला को अगर चाहोगे तो हम तुम्हें क्या है बहुत महबूब रखेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्या है आपकी सुन्नतों पर चलना आपकी जो किए हुए अमल हैं उनको अपने सीने से लगाना उन चीजों पर डट के चलना उन चीजों पर सख्ती से अमल करना एक हदीस याद आई मुझे रसुल्ला वसल्लम ने फरमाया एक ज़माना ऐसा भी आएगा एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि लोग मेरे तरीक़े को छोड़ चुके होंगे एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि लोग तरीका छोड़ चुके होंगे अय्याम में जो मेरे तरीक़े को जिंदा करेगा उसके लिए बड़े का वादा है तो भाई इस वक्त क्या है सुन्नतें छोड़ी जा रही रसोल बाद तौर पर बाद नादानी में छोड़ी जा रही आपके तरीके को छोड़ा जा रहा आपके फरमुदात को छोड़ा जा रहा आपकी चीज़ों को छोड़ा जा रहा तो ये दीन ये अल्लाह ने जो हम सबको इनायत फरमाया है उस पर अमल करने की कोशिश हो बकिया ना हो तो अल्लाह तला से दुआ कर ली जाएगी अल्लाह ताला हम कमज़ोर हैं बार बार फिसल जाते हैं हमें माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह ताला से जब दुआ मांगी जाएगी तो अल्लाह ताला फिर क्या है इस नसीब फरमाएंगे और अल्लाह के सामने गिरिया वजारी की जाएगी तो अल्लाह ताला रास्ते खोलेंगे फिर और भाई दीन के साथ दुनिया भी मिलती है दीन के साथ क्या है दुनिया भी मिलती है दीन के ऐसा नहीं है कि दीनदार हो जाने पर दुनिया साथ से हाथ से चली जाएगी दीन के साथ साथ दुनिया भी मिलती है इसलिए हमें दीन पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए और अगर छूटे तो अल्लाह से तोबा करते रह करते रहना चाहिए और फिर उस पर अमल के लिए बार बार दुआ मांगता रहे ये एक चीज़ थी जो छूटी हुई लोगों को दुआ दुआएँ मांगना बड़ा अजीब से लगता है या मांगे तो थोड़ी देर मार कर नहीं दुआ मांगो ख़ूब मांगो दुआ मांगो फरमाते हैं रसोल्ला सल्लाशार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जो है अपने उन नाबंदों को उन बंदों को नापसंद करता है मल्लम यज़ आल अल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैहि वल्लम फ़रमाते हैं कि अल्लाह ताला से जो सवाल नहीं करता अल्लाह ताला उसे नाला हो जाते हैं मिसाल देते दे, हैं आपको बात समझ में आ जाएगी जैसे अब्बा अब्बा से अम्मा कहती है कि बाबू के लिए फला कपड़ा ले आइए गाड़ी ले आइए तो अब्बा नाराज़ होता है वो मुझसे क्यों नहीं कहता है उससे तो कह के जा तुमसे कहता है तो मुझसे क्यों नहीं मानता अबा क्या कहता है मुझसे क्यों मेरे दिल में तो तमन्ना है कि मुझसे मांगे अम्मा कहती नहीं मुझसे कह के गया कहता नहीं मुझसे बोलो कि मुझसे कहे कि मुझे गाड़ी चाहिए मुझे फना चाहिए तो जब ये कदना से इंसान की हालत है वो मालिक जो बंदों की क्या है हर दुआओं को कबूल करता है इसमें आता है कि वो दो कदम चलता है तो अल्लाह की रामत कई कदम उसकी तरफ लपकती बंदा माफी चाहता है तो अल्लाह ताला उसे माफ फरमा देते हैं कहते हैं कि इनल्लाहा यगफ्रु जुनुब जमीअ नबीसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए या इबादी लतिना अस्रफू अला ऐ हमारे वो बंदे जिन्होंने अपनी जानों पर zulm किया या इबादी फरमाया यहाँ भी ये नहीं के ऐ बाबियों ये नहीं का ऐ हमारे कानून को तोड़ने वालों ये नहीं फरमाया हमारे हकम को छोड़ने वालों ये नहीं कहा यारी बाधी है हमारे बंदों आप कह दीजिए हमारे उन बंदों से जिन्होंने क्या किया है अपने जानों पे जुल्म किया यानी ना फरमानियां अल्ला तक रहमत ला हमारी रहमत से मायूस ना हो हमारी रहमत तो उनके तमाम अयोग को छुपा करके उनके तमाम गुनाओं को साफ कर देगी इन जुलूब जमिया अल्लाह उनके सब गुनाहों को माफ फरमा देंगे इसलिए गुनाह हो जाए तो रोए खूब रोए खूब खूब रोए जितना हो सके उतना रोता रहे खुद उसका दिल कह देगा कि नहीं बस अब माफी मिल गई अंदर से आवाज आएगी कि माफी मिल गई है बस फिर अगला सिलसिला शुरू कर दे फिर देखेगी क्या है? गाड़ी आगे पीछे हो रही फिर रोए एक दिन बैठकर मांगे और खूब मांगे जैसे बच्चा अपनी माँ के कदमों में लिपट कर मांगता है माँ डांटती है फटकारती है भगाती है नहीं तुझे कुछ नहीं मिलना लेकिन वो रोते 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 चिल्लाते 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 माँ से सामान ले ही लेता है ऐसे ही अल्लाह से लिपट कर खूब रोए ख्याल रहे दिल में ये बात रहे कि मैं अपने मालिक हकीकी के सामने अपने हाथों को फैलाए हुए और अपने गुनाहों पर दिल से नादम होते हुए मांगे तो उसका दिल खुद थोड़ी देर में गवाही देगा नहीं अल्लाह ने दुआओं को कबूल कर लिया है तुम्हारी बातें मान ली गई तुम्हारी माफ़ी मिल गई तो फरमाते हैं वो अमाम खाफ मकाम और अपी हवा जो लोग क्या है अल्लाह के सामने पेश होने से डर गए अपनी ख्वाहिशात की इतबा से बुझ गए वो लोग क्या होंगे फैनल जन्नत है ही उनके ठिकाने कहा होंगे जन्नत में होंगे बाचे में होंगे आराम की जगहों में होंगे तमाम सहूलियात जहाँ पर फराम होगी उन्हें वहाँ का दाखिला नसीब होगा अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की سے ہم میں سے ہر ایک کے قصوروں کو گناہوں کو معاف فرما ہم میں سے ہر ایک کو اپنا قوی صحیح تعلق عطا فرما अपने उलिया और दोस्तों के उसाब से मुतसफ़ फरमा उनके जैसे अखलाक, उनके जैसे आमाल नसीब फरमा उनके जैसे आलौलाद नसीब फरमा हम सब को माफ़ फरमा हम सब को माफ़ फरमा हम बड़े गुनागार हैं बड़े सदाकार हैं वालेक को माफ़ फरमा दीजिए अल्लाम सब को माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह हमने सब गुनाह किए हुए कोई गुनाह ऐसा नहीं जो हमने ना छोड़ा हो अल्लाह हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं हम मुजरिम हैं इकरारी मुजरिम हैं मालिक हम सबको माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह हमारे दिलों का आप हाल जानने वाले हैं हमने तो तन्हाइयों में भी गलतियाँ की हैं हमने अंधेरे में भी गलतियाँ की हैं हमने उजालों में भी गलतियाँ की हैं है आपकी खा खा करके सिर्फ हम गुनाह में लगे रहे मालिक हम सबको माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दीजिए हम सब को माफ़ फरमा दीजिए आइंदा गुनाहों से बचना आसान फरमा दीजिए गुनाह वाली मजलिसों से बचना आसान फरमा दीजिए गुनाह के जो जगह हैं जहाँ गुनाह करने वाले अफराद बसते हैं ऐसी बस्तियों से हम सब की हिफाजत फरमा दीजिए ऐसी बस्तियों से हम पढ़ा चाहते हैं जहाँ जाने से गुनाह का तकाजा पैदा होता हो जहाँ बैठने से गुनाह की चीज़ें अंदर दिल में ख़्याल में आती रहती हैं है। हम ऐसी जगहों से पनाह चाहते हैं हम ऐसी जगहों पर एला जाने के लिए दरख्वास्त करते हैं जहाँ आपके नेक और साल बंदे रहते हैं जो आपके नेक और साल बंदों की बदसियाँ हों हम सब को आने जाने की तौफीक महम्मत फरमा दीजिए नेक लोगों की तरह बनने की फिक्रता फरमा दीजिए अल्लाह तो हम आपके सामने हाथ फैलाएँगे तौबा करते हैं दुअसल दु आपकी ही तरफ़ से इनायत होती है तोबा की तोफ़ी को दिए तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं अल्लाह जब आप तोबा की तोफ़ी देते हैं तो तौबा कबूल भी करते हैं एल्लाम सब को माफ़ फरमा दीजिए एल्लाम सब को माफ़ फरमा दीजिए एल्लम सब को माफ़ फरमा दीजिए और हम में से रेख की जायज़ तमन्नाओं को मुरादों को पूरा फरमा दीजिए हम में से रेख की ख्वाहिशात को पूरा फरमा दीजिए हमें से रेख की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए अल्लाह हमें हमारे घर वालों को हमारे बच्चों को भाइयों को बहनों को अल्लाह सब को सेहत आफीतः फरमा दीजिए सबको नमाज और तिलावत का अहतमाम करने वाला बना दीजिए शरीयत और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की फ़िक्रता फ़रमा दीजिए अल्लाह जो हमें बीमार हैं उन्हें शिफाता फरमा दीजिए बिलखसूस शकील साहब के साहबजादे जो हैं अल्लाह उनको ख़ूब अच्छी सेहत तोानाई अता फ़रमा दीजिए अल्लाह पहले जैसी ताकत क़ुत अता फ़रमा दीजिए ऐसे और भी जो लोग बीमार हैं जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है दुआओं के लिए कहना चाह रहे थे अल्लाह सब के हाल अहवाल से आप बाबर हैं है मालिक सब के हाल अहवाल को दुरुस्त फरमा दीजिए अल्लाह इस खानक में आने वालों को अपनी महब्बत अपनी मार्फत फ़रमा दीजिए अल्लाह इस खानक को कबूल फ़रमा लीजिए ये लोगों ने जो ख़िदमतें की है खिदमात करते जो रहते हैं अल्लाह सब की खिदमतों को कबूल फरमा लीजिए अल्लाह यहाँ आने वालों को अपनी महबितता फरमा दीजिए और यहाँ तमाम अपने नेक और साले बंदे बंदों की जगह जगह होने के लिए जगह को कबूल फरमा लीजिए उनके बैठने की जगह को कबूल फ़रमा लीजिए और यहाँ से तमाम जो आपके नेक और साल बंदे हैं वहाँ तक आने जाने की सबको को मरहमत फरमा दीजिए إلا معاذ بن فضل سے إن سب دعاؤں کو قبول فرمالي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلى الله تعالى